सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोड मैप की, कि तुम 7 दिन के अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि तुम्हें पता है यार, पूरे इंडिया में कर्फ्यू लगा हुआ है इस वक्त, मैक्सिमम स्टेट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो यार, तुम अपने घर पे बैठे हुए, स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हो रखे हैं, तो यार कुछ तो सीखोगे ना। तो यार, मेरा यही मकसद था इस वीडियो को लाने का, कि यार इन 7 दिनों में कोई अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बढ़िया तरीके से सीख ले, और उसके लिए एक रोड मैप बना देता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो सीरियसली यार तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये इंटरेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ हरमन सिंह। आई एम अ सेकेंड ईयर सी एस स्टूडेंट इन IIIT दिल्ली, एंड यू गाइज नो दैट IIIT दिल्ली इज़ वेल नोन फॉर इट्स कोडिंग कल्चर। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनाउंसमेंट। हमने एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया यार, नीचे उसका लिंक है, जाके उसको ज्वाइन कर लेना अगर तुम्हारा मन है। उस ग्रुप के अंदर यार हम लाइव स्ट्रीम्स, अपकमिंग वीडियोस, तुम्हारे सजेशंस, ये सब मांगा करेंगे। ठीक है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो जरूर से डिस्क्रिप्शन एरिया में जाओ और ग्रुप ज्वाइन करो। सो गाइज, अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ये मत सोचो कि ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, ये एक प्रमोशन है मेरी लास्ट वीडियो का, ये उसी से एक लिंक्ड वीडियो है। ठीक है, उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर तुमने अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है, या तुम्हें प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो यार मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले या इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एक बार उस वीडियो को जरूर से जाके देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आई बटन में भी लिंक आ रहा होगा। ठीक है, उस वीडियो को देखना जरूरी क्यों है, क्योंकि उसके अंदर मैंने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला, सिलेक्टिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज की वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूं कि तुम्हें कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, वो मैंने उस वीडियो में बताया था। तुम्हें पाइथन, जावा या C++ में से एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, अगला है इंस्टॉलिंग द लैंग्वेज। ये सब बेसिक पॉइंट्स है, ये तुम उसी वीडियो से जाके देख लेना। और ये राइटिंग द कोड वाला जो पॉइंट है, ये मैंने थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर रखा है, थोड़ा फेड कर रखा है। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में जो ये मैंने पॉइंट कवर किया था, वो इस वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर तुम वो वीडियो देखोगे तो अपना टाइम बचा लेना, 2-3 मिनट बच जाएंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, अगले 7 दिन क्या करने वाले हैं, वो इस स्लाइड से तुम्हें पता चलेंगे। सबसे पहला है, इन दोनों वीडियोस को कम्प्लीटली देखो। ठीक है, अच्छे से देखो, बुकमार्क में डाल लो, क्योंकि बार बार देखने की शायद जरूरत पड़ सकती है। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो इज अ बाइबल। इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर सारे के सारे लिंक्स गिवन है, जो भी मैं आज इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन एरिया में। पिछली वीडियो अगर तुमने देखी होगी, उसके भी सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन एरिया में ही थे। ठीक है, तो जाके वो भी चेक करना। अब आते हैं हम कि 7 दिन हमें कैसे करना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 2 दिन है उसमें क्या करोगे, तुम सीखोगे। क्या सीखना है टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा, आगे स्लाइड्स आने दो। स्टार्टिंग के 2 दिन सीखेंगे, अगले 4 दिन क्या करेंगे भाई, तगड़ी तरीके से कोडिंग करेंगे, बहुत ही बढ़िया। कैसे करनी है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोड शेफ, कोड फोर्सेस, ये सब सुन के डर लगता है ना, वो खत्म हो जाएगा आज। ठीक है, तो हो गए 6 दिन। ठीक है, अब 1 दिन बचा है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ईजी सा प्रोजेक्ट करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एरिया में ही तुम्हें हर एक लैंग्वेज का एक ईजी प्रोजेक्ट मिलेगा, जो तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें ब्रशअप करने के लिए या तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अब पता चल चुका है ना 7 डेज तुम्हें क्या करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट 2 डेज कैसे करने हैं वो मैं तुम्हें अच्छे से बता देता हूँ। ये स्लाइड में तुम देख रहे हो, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है, 2 कॉलम्स है। दोनों कॉलम्स को जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। लेफ्ट वाला कॉलम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, इन्हें सीख के तुम राइट वाली चीज़ों को और अच्छे से कर सकते हो। अच्छे से बताता हूँ, रुको। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज को सीखने के वक्त पहला प्रोग्राम तुम लिखते हो हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखना सीखो, कि स्क्रीन पे कोई चीज़ प्रिंट कैसे की जाती है। दूसरी चीज़, वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ये बेसिक चीज़ें, ये भी तुम सीख जाओगे। नीचे लिंक गिवन है, टेंशन मत लो, सबका सब नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन एरिया में। इनपुट लेना सीखना है अब तुम्हें, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, असाइनमेंट कैसे किया जाता है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करोगे। स्विच केसेस, लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ये सब कैसे करना है, ये सब भी तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में लिंक है, वहाँ पे जाना और ये तुम्हें सीखना इंपॉर्टेंट है। जब तुम ये सीख लोगे, फिर आगे आते हैं कौन से कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रिंग्स आते हैं, एरेज आते हैं, वो भी तुम्हें सीखना है। ठीक है, फंक्शंस आते हैं, फंक्शन को कैसे बनाया जाता है, डिक्लेयर कैसे किया जाता है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सब तुम सीख जाओगे। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स शायद तुम्हें अभी लग रही होगी, बट ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। 2 दिन का काम है, 2 दिन ये अच्छे से पढ़ लो, तुम्हें एकदम ही मज़ा आ जाएगा। स्टैटिक फाइनल क्या होते हैं, और लास्ट चीज़ होने वाली हमारी क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है बेसिक लेवल का पढ़ना है, तो बस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं, उसका यूज़ क्या होता है, एक वीडियो इम्प्लीमेंटेशन की देख लेना, इतना काफ़ी है। ठीक है, अब ये तुम कहोगे यार ये तो हर वीडियो में बताते हैं,
है ना, ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना अपने पीसी के अंदर। जैसे अगर तुम पाइथन सीख रहे हो या चलो तुम जावा सीख रहे हो, जावा का फोल्डर बनाना, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड एक नाम की फाइल होनी चाहिए, उसके अंदर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम होना चाहिए, वेरिएबल्स नाम की फाइल होनी चाहिए, वेरिएबल्स वगैरह कैसे करते हैं वो सब तुम्हारा होना चाहिए स्टोर्ड। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ वीडियोस को देखे जा रहे हो, साथ साथ वो कोड करना है तुम्हें। ये तुम्हारे स्टार्टिंग 2 दिन का असाइनमेंट है, इससे तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े खुलेंगे। और दूसरी चीज, तुम्हें थोड़े थोड़े सिंटेक्स याद होंगे, अभी भी ढंग से याद नहीं होंगे, ये 2 दिन का तुम्हारा काम है। अब आते हैं यार अगले 4 दिन क्या करने हैं। 2 दिन बहुत ज्यादा हैं वो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। अब तुम्हारे पास एक फोल्डर भी बना हुआ है, सारी चीजें तुम्हारे पास हैं अंदर, ठीक है, हर एक छोटे छोटे प्रोग्राम की फाइल्स तुम्हारे पास बनी पड़ी हैं। अब अगले 4 दिन तुम्हें कोडिंग करनी है। कहाँ से करनी है? hackerrank.com। अभी रुक जाओ, ये स्लाइड एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद मैं तुम्हें एक रियल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा कि हैकर रैंक पे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो हर दिन तुम्हें 15 क्वेश्चन करना है यार, हैकर रैंक के 15 क्वेश्चन सीरियसली कुछ भी नहीं है, बहुत इजीली कोई इंसान हैकर रैंक के 15 क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो पहला स्टेप ये है, हर दिन 15 क्वेश्चन करो। हर दिन 15 क्वेश्चन करने से क्या होगा, तुम्हारे 4 दिन के अंदर 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे हैकर रैंक के। तुम्हारी रैंक भी बढ़ जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी बढ़ जाएंगे, और तुम्हारा सबसे बढ़िया चीज, तुम्हारे सिंटेक्स वगैरह तुम्हें सब याद हो जाएगा, ठीक है। अब अगली चीज, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो यूट्यूबर के उसमें कमेंट नहीं करना, जैसे पिछली वीडियो में बताया था, जाके किस में देखना है, गीक्स फॉर गीक्स में देखना है, स्टैक ओवरफ्लो में देखना है। और अगर कुछ ना हो, चलो अगर नहीं आ रहा है समझ, तो यार चलो मेरी वीडियो पे कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई कर देता हूँ। तो गाइज अब एक बार हैकर रैंक की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, हैकर रैंक पे जाओगे, लॉग इन करोगे, साइन अप करोगे, जो भी करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस का ऑप्शन होता है, वहां चले जाना। प्रैक्टिस के ऑप्शन में जाने में ना, यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी लैंग्वेजेस तुम्हें दिखा रहा होगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें कौन सी 3 बताई है, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लो। मान लो तुमने जावा करी है, जो मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता हूँ कि जावा ही करना। तो जावा पे तुम आओगे, देखो कितने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ गए हैं, लिस्ट डाउन हो रहे हैं, ये सारे हैं इजी क्वेश्चंस। उसके बाद तुम्हें मीडियम क्वेश्चंस मिलेंगे, शायद तुम्हें कोई हार्ड भी मिले, हार्ड भी ट्राई कर सकते हो, बट इजी और मीडियम से तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज यार ये था आज की वीडियो के लिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे, मैंने ट्राई किया कि मैं जल्दी से जल्दी सारे पॉइंट्स तुम्हें एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो यार वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और ऐसी और बहुत सारी वीडियोज का प्लान आगे मैंने कर रखा है अपने चैनल पे, तो यार तो सिंपली क्या करना है, चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। अभी हो रहे हैं हमारे 920 समथिंग सब्सक्राइबर्स हो रहे हैं, उसे 1000 सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, बहुत तगड़ी तगड़ी वीडियोस आने वाली है। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय।